सो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है टीथ वाइटनिंग, जो भी हमारे दांतों के ऊपर प्लाक या टार्टर या जो भी स्टेन्स रहते हैं, जो दाग धब्बे रहते हैं, उसके लिए हमें घर में ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसका हम यूज़ करके हमारे जो दांतों के ऊपर दाग धब्बे है या भी टार्टर या फिर स्टेन्स है उसको हम रिमूव कर पाएंगे या फिर हमें फिर डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ देखेंगे जिसका यूज़ करके आप आपके जो दांत है वो घर पर ही वाइट कर सकते हो या फिर उसके ऊपर जो भी दाग धब्बे वो सब निकाल सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि प्लाक और टार्टर या फिर जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं, इसमें एक हल्का सा डिफरेंस होता है। प्लाक हम उस चीज़ को बोलते हैं जो भी हमारे दांतों के ऊपर पीली एक परत रहती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो उस चीज़ को बोलते हैं हम प्लाक। और प्लाक के ऊपर अगर हम प्लाक की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करते तो उसके ऊपर जो भी मटेरियल डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं कैलकुलस या फिर टार्टर, जो भी हार्ड स्ट्रक्चर रहता है। ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, ये ब्रश से आपको क्लीन नहीं होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर ब्रश से क्लीन नहीं होगा, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसको जो भी अल्ट्रासोनिक मशीन रहता है या फिर स्केलर रहता है उसके हेल्प से ही उसको को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर प्लाक का कंटिन्यू एक्यूमुलेशन होता है या फिर प्लाक कंटिन्यू जमा होता है तो फिर उसका कन्वर्जन आगे चल के टार्टर यानी कैलकुलस में हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो आप यूज़ कर सकते हो क्लो ऑयल, यानी जिसे हम लौंग का तेल बोलते हैं। ये मार्केट में भी मिल जाएगा, अगर मार्केट से आपको नहीं मिल तो घर में जो भी आपको लौंग रहेगी जो कि हर एक के घर में रहती ही है अवेलेबल, तो आपको 3 से 4 लौंग लेना है। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करना है, उसमें हल्का सा कोकोनट ऑयल मिक्स करना है और उसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। उसको अच्छे से मिक्स करके जब आप वो पेस्ट बनाओगे तो उस पेस्ट को आपको ब्रश पे लेके आपके दांतों की अच्छे से सफाई करनी है। ये चीज़ आप जब करोगे तो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, आप जब ब्रश करोगे तो ये जो पेस्ट है इसमें जो हमने लौंग यानी क्लो ऑयल या फिर लौंग जो भी यूज़ किया है वो पूरे हमारे दोनों दांतों के बीच में जो भी गैप्स रहते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से वो फ्लो होना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट ही हमें ये ब्रश करना है और उसके बाद हमें अच्छे से पानी से उसको क्लीन करना है नॉर्मल वाटर से। ये आप अगर 5-6 दिन तक करोगे तो फिर आपके जो दांतों के ऊपर प्लाक जम रहा है वो फिर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप प्लाक का क्लीनिंग डेली करते हो, अगर प्लाक का अक्यूमुलेशन यानी प्लाक जमा नहीं होता है तो फिर वो आगे चल के टार्टर या फिर हार्ड कैलकुलस जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा और आपके दांतों की क्लीनिंग और वाइटनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अभी इसका दूसरा एक होम रेमेडी है उसकी तरफ आप चलते हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसी के साथ साथ बेकिंग सोडा, ये कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड अपॉन आपको सेंसिटिविटी होती, डिपेंड अपॉन आपकी टूथ की कंडीशन कैसी है। अगर आपकी टूथ की कंडीशन बहुत वीक है या फिर आपका इनेमल पूर्ण वर्न आउट हो चुका है, मतलब आपका जो ऊपर का इनेमल है दांत का वो थोड़ा सा निकल चुका है या फिर डैमेज हो गया है, तो आपको फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करोगे तो फिर आपको सेंसिटिविटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फिर ऐसे केस में आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और उसमें नींबू के 5 से 6 ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। ये जो मिक्सचर है ये आप आपके दांतों के ऊपर लगा सकते हो या फिर ब्रश के सहायता से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। अगर ये 5 से 10 दिन यूज़ करते हो तो फिर आपके दांतों का जो प्लाक है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा या फिर जो टार्टर थोड़ा पर जमा हो रहा है वो भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स रहते हैं जो आपके जो दांतों का इनेमल है उसको हल्का सा रब करके उसकी जो वाइटनिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते हैं और फिर आपके दांत अच्छे से वाइट हो जाएंगे। इसका तीसरा होम रेमेडी है, आप अगर ऑरेंज यानी जिसे हम संतरा बोलते हैं
उसका जो ऊपर की कवरिंग रहती है जिसे हम ऑरेंज पील बोलते हैं, उसको अगर आप आपके दांतों के ऊपर अच्छे से रगड़ते हो तो आपके दांतों में जो भी इनेमल रहता है उसका अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगा और फिर आपके दांत अच्छे से वाइट दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो फ्रूट्स रहते हैं इसमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है जो कि हमारे टीथ वाइटनिंग में हेल्प करती है। उसी के साथ साथ अगर आपको मसूड़ों की कोई भी समस्या रहेगी तो फिर वो भी समस्या आपकी मसूड़ों की ख़त्म हो सकती है। आपको ये ऑरेंज पील का भी यूज़ आप कर सकते हो। उसके बाद जो होम रेमेडी है, हमें कुछ फ्रूट्स लेने हैं जो कि हमारे टीथ वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, उसी के साथ साथ फ्रूट्स में खास करके पाइन एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये दो सबसे ज़्यादा अच्छे और इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स है जो कि आपके टीथ वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्पेशली पाइन एप्पल में एक एंजाइम रहता है जिसे हम ब्रोमोलिन कहते हैं, तो टीथ वाइटनिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, तो पाइन एप्पल का सेवन भी आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको स्ट्रॉबेरी भी यूज़ करना है जिसमें मैलिक एसिड रहता है, वो भी इट एक्ट्स एज अ वाइटनिंग एजेंट। तो अगर आप स्ट्रॉबेरी भी खाते हो तो भी आपके दांत अच्छे से वाइट हो जाएंगे, जो भी छोटे छोटे दाग धब्बे वो निकल जाएंगे। या तो आप दोनों इंडिविजुअली अलग अलग से खा सकते हो या फिर दोनों का मिक्सचर करके कंबाइन करके उसका हल्का सा पेस्ट बना के आप डायरेक्टली उससे कंज्यूम कर सकते हो। और इसके बाद मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके दांतों में अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, यानी कैलकुलस का फॉर्मेशन हो चुका है या फिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैलकुलस सब जगह है, तो फिर इन होम रेमेडीज से वो कम नहीं होगा। उसके लिए आपको एक बार डेंटिस्ट को विजिट करके अच्छे से स्केलिंग करके लेना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद आप इन सारी चीज़ करके आपकी जो दांत है उसको अच्छी तरह से मेंटेन रख पाओगे, अच्छी तरह से वाइटनिंग मेंटेन रख पाओगे। तो ये था एक छोटा सा टीथ वाइटनिंग के ऊपर वीडियो जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई है। इनमें से एक या दो होम रेमेडीज़ कोई भी यूज़ करके आपके जो दांत है वो अच्छे से चमका सकते हो, अच्छे से वाइट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।